पुलिस शहदा की अमीन है, आवाम की खिदमत को अपना शुआर बनाए। अपने अपने कौल और फेल इखलाक और अवामी खिदमत से ना सिर्फ अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करना है बल्कि अपने वालदैन और अपने महकमा का नाम भी रोशन करना है। बीपीओ गुजरात उमर सलामत का नया भर्ती होने वाले कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान से खिताब। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से आफ्ताब राठौड़ की इस रिपोर्ट में। जी, गुजरात पुलिस शोहदा की अमीन है, आवाम की खिदमत को अपना शुआर बनाएं। आपने अपने कौलोफेल इखलाक और अवामी खिदमत से ना सिर्फ अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करना है बल्कि अपने वालदेन और अपने महकमा का नाम भी रोशन करना है। डीपीओ गुजरात उमर सलामत का नए भर्ती होने वाले कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान से खिताब। पुलिस लाइन गुजरात में नए भर्ती होने वाले कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान में भर्ती ऑर्डर तकसीम की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें नए भर्ती होने वाले कांस्टेबलान और इनके वालदैन को मदऊ किया गया था। डीपीओ गुजरात ने नए कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान से खिताब करते हुए कहा कि गुजरात पुलिस शोहदा की अमीन है, भर्ती का अमर नहायत शफाफ तरीके से किया गया है। आपने अपने कौलोफेल इखलाक और अवामी खिदमत से न सिर्फ अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करना है बल्कि अपने वालदैन और अपने महकमा का नाम भी रोशन करना है। आपने अमली तौर पर पुलिस कल्चर को तब्दील करने में अपना किरदार अदा करना है और इस बात का अहद करना है कि आप मुस्बत अंदाज में अपने फराइज सर अंजाम देंगे और जालिम के खिलाफ डट जाएंगे और मजलूम के साथ खड़े होंगे। उन्होंने नए भर्ती होने वाले कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान के वालदैन को भी खसूसी मुबारकबाद दी। तकरीब के अख्तिताम पर नए भर्ती होने वाले कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान में तकरारनामे तकसीम किए गए, जबकि इनके लिए हाई टी का भी इंतजाम किया गया। आफ्ताब राठौर, कॉरेस्पॉन्डेंट, गुजरात। कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और इस आज की इस महफिल को आपने रौनक बख्शी। आज की ये जो तकरीब है इसको मुनक्कद करने का बुनियादी मकसद तो आप सब लोगों को मुबारकबाद देना है कि आपने अपनी हिम्मत, मेरिट और अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आज आप पंजाब पुलिस का हिस्सा बने। ये आप सबको शाबाश है और आपके वालिदैन को भी कि आज के इस दौर के अंदर आपके सामने है कि कंपटीशन कितना सख्त था। हज़ारों लोग थे जिनके अंदर सिर्फ 100 बंदों ने सिलेक्ट होना था। मुख्तलिफ मराहल से आप कामयाबी से गुजरते हुए आज यहाँ पे बैठे हैं और अपना आज अपॉइंटमेंट लेटर आप रिसीव करने आए। तो मैं आप सब लोगों को ये मुबारक देता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास रहमत है कि आज के इस दौर में बेरोज़गारी और महंगाई के इस दौर के अंदर न सिर्फ एक रोज़गार आप लोगों को मिला है, सरकारी नौकरी मिली है, बल्कि इंतहाई बाइज़्ज़त जो महकमा है उसका आज आप हिस्सा बन गए। वालदैन को बुलाने का मकसद ये है, ये आपको बावर कराना कि आज से आपके बच्चे अब हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक पूरे ख़ानदान की तरह है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा सारा